पैकर, कोहबर, सहराई, जादूपटुआ, गंजू, बिरहोर, घाटवाल, कुर्मी, मुंडा, ये बस कुछ नाम है उन आर्ट फॉर्म के जो झारखंड के ट्राइबल इलाकों में बनती है। आज बात करेंगे घने जंगलों वाले झारखंड से। यहाँ पे ये कलाएं आपस में काफी मिली जुली सी हैं, लेकिन कोहबर और सहराई कला जो है वो आमतौर पे फसलों के पकने पर और शादियों के दौरान बनाई जाने वाली एक जानी पहचानी सी कला है। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी पैकर पेंटिंग्स की। पैकर पेंटिंग्स झारखंड के अमदूबी और धालबोमगढ़ के इलाकों में खास तौर पे बनाई जाती है। ये इन्हीं इलाकों से पनपी पली बढ़ी हुई है। पैकर पेंटिंग्स अपने आप में ये कला कथा कहती है, कहानियां कहती है। पैकर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकार इन चित्रों के साथ में एक कथा सुनाते हैं, ठीक कठपुतली की तरह। और इन कथाओं के साथ जुड़ी होती है हिंदू इतिहास की कहानियां, कहानियां उन महान लोगों की और जिन्हें ये एक दूसरे के साथ में इस तरह फैलाते हैं। पैकर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकार चित्रकार कहलाते हैं और इनके साथ जो जुगलबंदी करते गाना गाते हैं उन्हें गायने कहा जाता है। मनसा देवी को अपनी इस कला में उकेर ये लोग अपनी रक्षा और समृद्धि की प्रार्थना उनसे करते हैं। उनके इन चित्रों में वैसे शिव और दुर्गा का भी स्थान होता है। इन चित्रों को बनाने के लिए कागज और कपड़े का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में बनाने के लिए अपने आसपास के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल, जिनमें पत्थर, पत्ते, फूल आदि का इस्तेमाल होता है। और खास बात यह होती है कि इन्हें पेड़ की टहनी से बनाया जाता है। हालांकि कभी कभी कुछ बकरी के बालों के ब्रश का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पैकर पेंटिंग्स पैकर ट्राइब से निकली हुई एक कला है जिसने अपना दामन पूरी दुनिया में फैला दिया। अगली बार जब आप झारखंड के घने जंगलों में घूमने जाएं तो इन आर्ट फॉर्म से भी मुलाकात करिएगा। और मुझसे मुलाकात करने अगले शनिवार फिर यहीं मिलिएगा। आर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। टिल देन गुड बाय।